नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता.com। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान नतीजों को लेकर किसी भी तरह की भविष्यवाणी के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। आयोग ने 30 मार्च शाम को राजनीतिक पंडितों, भविष्यवक्ताओं और टैरो कार्ड रीडर्स द्वारा चुनावी भविष्यवाणी करने पर रोक लगाने की घोषणा की। इसका मतलब यह है कि चुनाव को लेकर ज्योतिषी और टैरो कार्ड रीडर भी कोई अनुमान नहीं लगा सकेंगे। न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन के महासचिव और भारतीय प्रेस परिषद के सचिव को भेजी चिट्ठी में निर्वाचन आयोग ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भविष्य में संभावित चुनाव परिणाम का एग्जिट पोल का प्रसारण करने के लिए कहा है। आयोग ने कहा है कि निर्वाचन आयोग का मानना है कि प्रतिबंध की अवधि के भीतर ज्योतिषों, टैरो कार्ड विशेषज्ञों, राजनीतिक विशेषज्ञों या किसी भी अन्य तरीके से चुनाव का संभावित परिणाम बताने वाले कार्यक्रमों का प्रसारण आरपी अधिनियम की धारा 126A का उल्लंघन है और उद्देश्यपूर्ण पत्रकारिता और आचार संहिता एवं नियमों का पालन करने वाली मीडिया के सहयोग के बिना निर्वाचन आयोग भी विश्वसनीयता हासिल नहीं कर सकेगा, जैसी इसने चुनाव प्रबंध के क्षेत्र में पूरी दुनिया में अर्जित की है। आपको बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान दैनिक जागरण के वेब पोर्टल ने यूपी का एग्जिट पोल समय से पहले ही प्रकाशित कर दिया था। अब तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया की और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।